हेलो, आज हम नंबर्स ग्रुप में कस्टम फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो कस्टम फॉर्मेट को समझने के लिए हमने यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें 4 डिजिट्स हैं। अगर हम इसके आगे 2 यहाँ पे 0 लगाना चाहते हैं, तो ये 0 हम कैसे लगाएंगे? जब हम एक्सेल में नंबर लिखते हैं तो उसके आगे 0 नहीं आती है। जैसे यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे 012 ये लिखा, और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो 0 ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखो, इंटर प्रेस किया तो 0 यहाँ से हट गई। तो हमने क्या करना है, तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 0 यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो 2 0 पहले कैसे लगाएंगे यहाँ पे, उसको करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सभी को सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, इसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। मोर नंबर फॉर्मेट के बाद हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया, कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इसको मिटाएंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 0s लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0s लगाई। लगाने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे 2 0 ये लग के आ जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे 0s लगा सकते हैं। अगर और 0 चाहिए, 3 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कस्टम में जाके फिर जहाँ पे 6 0 लिखा हुआ है वहाँ पे हम 7 0 कर देंगे। 7 0 लिखने के बाद यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगी। तो इस मेथड के जरिए हम एक्सेल में नंबर्स के आगे 0 लगा सकते हैं। इसके बाद इसको मिटाते हैं यहाँ से, ये मिटाया। इसके बाद है यहाँ पे नेम। नेम यहाँ पे अगर बोला जाता है हमें कि ये जो नेम लिखे हुए हैं इनके आगे श्री लगाओ, तो श्री कैसे लगाएंगे हम इन सभी के आगे, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। ये सभी सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल के आ जाएगा। इसमें क्या है, हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मिटाएंगे, ये मिटाया, और यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोड में, हमने लिखना है, ये डबल कोड लिखा। डबल कोड लिखने के बाद हम क्या लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे श्री लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे श्री लिखा डॉट, इसके बाद स्पेस दिया, ये स्पेस दिया। स्पेस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोड को बंद करेंगे। ये डबल कोड हमने बंद किया। डबल कोड बंद करने के बाद एट द रेट ऑफ साइन यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो, एट द रेट ऑफ साइन यहाँ पे लगाया। तो ये साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो ये देखो, यहाँ पे हमने जितने भी नेम लिखे थे उनके आगे यहाँ पे श्री लग के आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे श्री अगर लगाना चाहते हैं तो इस मेथड के जरिए हम यहाँ पे श्री लगा सकते हैं। अगर हमने ये श्री लिखा हुआ है, श्री की जगह हमें यहाँ पे मिस्टर लगाना है, तो फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमने श्री यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिस्टर लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मिस्टर, और मिस्टर लगाने के बाद ये डबल कोड MR और ये फुल स्टॉप, इसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसके बाद डबल कोड लिखा, इसके बाद एट द रेट ऑफ साइन। अगर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो हम एट द रेट सिंबल का यूज़ करते हैं। ये तो एट द रेट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस्टर लग के आ जाएगा। तो जितने भी नेम थे यहाँ पे श्री की जगह यहाँ पे मिस्टर आ गया। इसके बाद इसको अंडू किया, ये अंडू किया हमने सारा, ये अंडू करके ये सिंपल फॉर्मेट में आ गए। अब क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे मेथड के जरिए यहाँ पे मिस्टर लगाएंगे। तो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे हम ये काम, इसके लिए कंकेटिनेट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू, इक्वल टू लिखने के बाद कंकेटिनेट यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद
यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे। डबल कोट लिखने के बाद श्री लिखा ये, इसके बाद तो डॉट, इसके बाद स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद फिर यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे। डबल कोट लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने यहाँ पे श्री लगाना है, ये आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, ये बंद की, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद फार्मूला के जरिए भी हम यहाँ पे आगे श्री या मिस्ट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया फिर और इसको ड्रैग किया, ये देखो ड्रैग करने पे सभी के आगे यहाँ पे श्री लग के आ जाएगा। तो इस फार्मूला के जरिए भी हम यहाँ पे श्री या मिस्टर वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला करेंगे हम कलर्स के बारे में। तो कस्टम फॉर्मेट में जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, चार वैल्यू लिखी हुई है हमने, जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है पहली, इसके बाद ये सेकंड नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है -1 to 5, इसके बाद ये जो है तीसरी ये 0 लिखी हुई है यहाँ पे, और ये जो चौथी है यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है, हमने इन चारों वैल्यूज़ को अलग अलग कलर यहाँ पे देना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये रेंज सेलेक्ट की, तो रेंज सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो कस्टम ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमने अलग अलग कलर देना है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको मिटाएंगे, ये मिटाया। मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, इसके बाद कौन सा कलर पहले के लिए देना है, सपोज करो पहले के लिए हमने रेड कलर, तो यहाँ पे लिखा रेड। रेड लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद की, इसके बाद सेमी कोलन यहाँ पे लिखा। सेमी कोलन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्टार्ट की। अब दूसरे के लिए जो नेगेटिव वैल्यू हमने लिखी हुई है उसके लिए कौन सा कलर देना है, तो उसके लिए सपोज करो येलो कलर यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे येलो, ये येलो लिखा। येलो लिखने के बाद फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया, इसके बाद सेमी कोलन ये लगाया। इसके बाद आगे लिखी हुई है जीरो वैल्यू, तो उसको कौन सा कलर देना है, उसके लिए ब्लैक लिखना है, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट ये स्टार्ट की और यहाँ पे लिखा ब्लैक। ब्लैक लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद की। बंद करने के बाद जो आगे टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल के लिए कौन सा कलर देना है, यहाँ पे सेमी कोलन लगा के इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें टोटल लिखा हुआ है उसके लिए हमने ब्लू कलर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू। ब्लू लिखा, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद की। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास पहला हमने पॉजिटिव वैल्यू हुआ, ये तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए कौन सा कलर हमने सेट किया था, रेड, तो ये रेड कलर यहाँ पे आ गया। अब ये देखो सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू के लिए हमने कौन सा कलर सेट किया था, वो किया था येलो, तो ये येलो कलर यहाँ पे आ गया नेगेटिव वैल्यू। इसके बाद ये थर्ड वैल्यू है, इसके लिए कौन सा कलर सेट किया था, ये किया था ब्लैक, तो जीरो के लिए ब्लैक यहाँ पे कलर आ गया। ब्लैक आने के बाद अब टोटल के लिए कौन सा कलर सेट किया था, ये किया था ब्लू, तो ये देखो ब्लू कलर में ये टोटल जो कि हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम जो भी वैल्यूज़ के लिए कलर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, हम वैल्यूज़ के लिए कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये शीट नंबर 3 यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टम फॉर्मेट में हम पिन आईडी के बारे में जानेंगे, फ़ोन नंबर के बारे में जानेंगे और यहाँ पे जिप कोड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिन आईडी के बारे में जानते हैं। सपोज़ करो ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे 6 डिजिट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 6 डिजिट लिखे हुए हैं, अगर हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे ये 3 डिजिट अलग और ये 3 डिजिट अलग लिखना चाहते हैं, तो ये काम हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए इनको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक किया। मोर नंबर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप में जाएंगे, इसको मिटाएंगे, और मिटाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 0, 3 डिजिट है। इसके बाद हाइफन लगाएंगे, ये हाइफन लगाया,
इसके बाद फिर 3 0 1 2 3 लिखने के बाद जब हम ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये 3 डिजिट्स में अलग हो जाएगा। ये 1 2 3 इसके बाद हाइफ़न लगाया था, हाइफ़न के बाद यहाँ पे 3 डिजिट इसके बाद में आ गए। तो इस तरह से हम इस पिन आईडी को 3 3 डिजिट्स में बांट सकते हैं। इसके बाद है कस्टम फॉर्मेट में फ़ोन नंबर को करना। जैसे यहाँ पे हम +91 यहाँ पे पहले लिखना चाहते हैं, तो एक्सेल में ये काम हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है, इन तीनों मेथड्स को हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला है इनको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। नंबर फॉर्मेट पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक किया हमने, कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मिटाएंगे, ये मिटाया। अब क्या लिखना है हमने फ़ोन नंबर के आगे +91, तो यहाँ पे +91 ये लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, ये स्पेस दिया। स्पेस लिखने के बाद कितने डिजिट्स है, 10 है, तो ये हम यहाँ पे 10 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जीरोस हमने लिखी। ये लिखने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे 91 +91 यहाँ पे लग के आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया, अगर हम +91 यहाँ पे एक्सेल में लिखना चाहते हैं फ़ोन नंबर के पहले, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको करने के लिए पहले इसको अंडू करेंगे, ये अंडू किया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जर्नल, इसको यहाँ से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब दूसरा मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे +91 ये लिखा हमने यहाँ पे, ये लिखने के बाद हाइफन ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम, 0 प्रेस करेंगे, ये देखो 0, ये 0 लिखने के बाद फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो +91 और इसके बाद हाइफन यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये सभी में लग के आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है। अगर हम ये तीसरे मेथड से करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, पहले अंडू किया ये, तो अंडू करने के बाद इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे। कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे +91 और उसके बाद क्या लगाना है हमने, जैसे यहाँ पे हाइफन ये लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हैश, ये हैश लिखा। तो ये लिखने के बाद ये देखो ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे +91 यहाँ पे लग के आ जाएगा। तो इन 3 मेथड्स के जरिए भी हम यहाँ पे +91 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद कस्टम फॉर्मेट में हम ये समझेंगे कि जैसे ये जिप कोड लिखा हुआ है, किसी कंट्री का जिप कोड जो है 5 डिजिट में है, तो 5 डिजिट में इस जिप कोड को कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सिंपल मेथड है, इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, इसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 जीरोस ये लगानी है। यहाँ पे इसको डिलीट किया, इसके बाद यहाँ पे 5 जीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद ओके पे क्लिक किया। पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये जो है जिप कोड ये 5 डिजिट का बन जाएगा। तो इस मेथड के जरिए अगर हम ये जिप कोड कितने डिजिट का बनाना चाहते हैं उतने डिजिट का यहाँ पे जिप कोड बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कस्टम फॉर्मेट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।